दिल्ली के रिठारा इलाके में देर रात झुग्गियों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते करीब 700 आशियाने उजड़ गए। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि जहां आग ने ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगते ही वहां रहने वाले सभी लोग बाहर निकल गए थे। हालांकि यहां लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। वहीं यहां लोग दमकल कर्मियों से भी काफी खफा नजर आए। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची दमकल की करीब 30 गाड़ियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, दमकल की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि बाद में लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और बड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में आग ने तांडव मचाया और करीब 700 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।